ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर उन्होंने अपने स्टार्स को एक रियल स्टार बना दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ट्रू एक्चुअली वो स्टार वाली फीलिंग, मतलब एक्चुअल स्टार पे आपका नाम लिख दिया गया है, वैसी फीलिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. सो सबसे पहले तो थैंक्स टू फैंस कि उन्होंने हमें चूज़ किया और वो हमें इतना पसंद करते हैं. एंड थैंक यू सो मच जी टी वी, इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ गना बी विद मी फॉर एवर, और ये मेमरी तो फेड हो ही नहीं सकती. सो थैंक्स. ये मीत और मीत के नाम पे अब एक रियल स्टार हो गया है, लाइक रियल स्टार स्काई में हो गया है. आपकी ये फीलिंग आप कैसे बयान करना चाहेंगे? यार मैं ये खोलते खोलते लाइक आई रियली गॉट इमोशनल बिकॉज आज मेरा एज मीत एंड मीत हमारा लास्ट डे ऑफ शूट है. बहुत ही सो थैंक यू सो मच जी टी वी फॉर दिस, इट इज़ वेरी इट्स ऑलवेज इन अ बी विद मी एंड समथिंग वेरी मेमोरेबल एंड इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम एनी चैनल हैज़ डन. तो ऑफकोर्स बहुत ही ब्यूटिफुल इनिशिएटिव है और मैं बहुत लक्की फील कर रही हूँ. और ऑफकोर्स फैंस ने हमें चुना है, हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया है, सो थैंक यू. आपको बोले बिना तो चलेगा नहीं, बट इट इज़ सो नाइस, आई एम सो ओवरवेल्ड. थैंक्स. मीत के शो में अब इतने सारे बदलाव आने वाले हैं, आने वाले एपिसोड से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है ऑडियंस? यार एक्चुअली अभी जो एपिसोड्स मैं रिसेंटली शूट कर रही हूँ एस उम्मीद, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ही है बिकॉज मुझे भी बहुत आगे का कुछ पता नहीं सिंस मैं दोनों जगह साथ में शूट कर रही हूँ. तो वेरी मच डिटेल्स आई डोंट नो, बट मुझे वो करके मज़ा बहुत आ रहा है. इट हैज़ दिस लाइफ इन इट एंड वेरी लाइट नाइस स्वीट मोमेंट्स. सो आई एम श्योर जब आप मुझे सुमित देखेंगे एंड जब आप मीत को देखेंगे सुमित बनकर, तो आपको भी वो मज़ा आएगा. यू विल फील द लाइटनेस एंड यू विल एंजॉय इट.